बहुत वैसे गार्डन के बाद में अभी मुकदस वकार में अटेंड किए बॉल अमानू के हाथ में है, अमानू ने अटेंड किया। यहाँ पर पहला वुमेन कैटेगरी का ये मैच खेला जा रहा है। हमारी ये स्टार्स हैं, फ्यूचर स्टार्स हैं हमारी ये वुमेन्स की प्लेयर्स, और बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में हमारी ये वुमेन्स जो है वो बास्केटबॉल में भरपूर हिस्सा लेती हैं और परफॉर्म करती हैं। यहाँ पर ऐसे गार्डन के पास अच्छी अटैम्प्ट और स्कोर करने में कामयाब ऐसे गार्डन ए। ये रेफरी से कुछ डिस्कशन कर रही हैं यूएमटी मार्क और स्प्रिंग की टीम। ऐसे गार्डन ए अभी तक एक स्कोर करने में कामयाब हुए हैं। दस मिनट का ये मैच है और ये फर्स्ट ग्रोथ फ्री साइड मैचेस आप देख रहे हैं फास्ट स्पोर्ट्स पर। यहाँ पर पास दिया है फरीहा ने अटेम्प्ट किया टू पॉइंट्स के लिए लेकिन वो नाकामयाब हुई। बॉल अब डेड हो गया। यूएमटी मार्कोस बैंक का बॉल है। यहाँ पर कौन सी टीम ज्यादा जो आपको लग रहा है कि अच्छा खेल का ऐसे गार्डन्स उसकी वजह यह है कि ऐसे गार्डन्स प्रैक्टिस में रहती है पूरे साल, ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये मुकद्दस वकार ने अटेम्प्ट किया और एक स्कोर इनकी जानब से हुआ है। ऐसे गार्डन ए जो है वो प्रैक्टिस में रहते हैं और जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि जी ज़्यादा अच्छे कोऑर्डिनेशन तभी आती है ना जब आप प्रैक्टिस में रहते हैं, आप खेलते रहते हैं। ये पूरी गेम ही बास्केटबॉल कोऑर्डिनेशन पे, आप आई कांटेक्ट करते हो अपने प्लेयर के साथ तभी आपको पास मिलता है। ये मुकद्दस वकार ने फ्री शॉट से अटेम्प्ट किया और एक और पॉइंट उनके ऐसे गार्डन्स का हुआ, थ्री पॉइंट्स ऐसे गार्डन्स। और यूएमटी मार्कोर को भी और मेहनत करने की ज़रूरत है। फीमेल थ्री साइड बास्केटबॉल में भी सेम रूल्स हैं जो मेन बास्केटबॉल में हैं? हाँ जी, कोई फ़र्क नहीं होता, वो फाइव साइड हो वो थ्री साइड हो वुमेन और मेन बास्केटबॉल में। यहाँ पर रेफरी से कुछ डिस्कस कर रही हैं ये यूएमटी की प्लेयर। आगाज़ करेंगी गुड डिफेंस ऐसे गार्डन्स। महनूर के पास बॉल आई है, महनूर ने अटेम्प्ट किया गुड शॉट। ये हमदा रानी है, इन्होंने भी पंजाब को रिप्रेजेंट किया हुआ है। बहुत ही अच्छा गोल करने में कामयाब हुए, स्कोर करने में कामयाब हुए ऐसे गार्डन ए की टीम। ऐसे गार्डन्स डिफेंस इतना अच्छा कर रही है कि आप देख रहे हैं उन्हें डी के अंदर ही नहीं आने दे रहे और वो बाहर से अटेम्प्ट करने की कोशिश करने लगे हैं दूसरी टीम। बिल्कुल पासेस में भी वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रही यूएमटी की टीम। अब ये फरीहा
बहुत अच्छा डिफेंस कर रही है, उसको अंदर ही नहीं आने दे रहे, ठीक है। तो ये साइड लाइन से बाहर जो जाता है इसमें फाउल, ये डेड बॉल हो जाती है, फिर दोबारा हम डी के बाहर से ही मैच स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक इस तरह। ये देखिए कितना खूबसूरत पास दिया है और शॉट यहाँ पर स्कोर करने में कामयाब ने। अभी तक मुकद्दस ने 3 स्कोर मुकद्दस का है। ये सेंटर खेलती हैं ऐसे गार्डन से, और ये जो फरीहा बाहर खड़ी हैं जिनके हाथ में बॉल है, ये गार्ड खेल रही हैं, गार्ड की पोजीशन से इन्होंने बॉल दिया। अभी महनूर ने अटेम्प्ट की थी जो कि नहीं हो सकी। पास बहुत खूबसूरत दिया था मुकद्दस ने, यहाँ पे खुद अटेम्प्ट की है लेकिन स्कोर कर पाई। ये इन्होंने रनिंग कर दी है यू एम टी मारखोर पेंक की प्लेयर ने। ये फाउल था, ये रनिंग स्टेपिंग, आप बॉल पकड़ के भाग नहीं सकते, अगर आप भागते हैं तो दैट इज़ अ फाउल, बॉल फिर दूसरी टीम का हो जाता है। और उसका भरपूर फायदा भी उठाया है ऐसे गार्डन ने, यहाँ पे कोर्स स्कोर करने में कामयाब हुए हैं। दोनों रेफरी जो हैं वो क्लोजली मैच को देख रहे हैं। अच्छा, अब ये अटेम्प्ट की थी इन्होंने, और साथ ही अगर आप शॉट करते हुए ओपोनेंट टीम आपके हाथ पे या टच कर देती है तो दैट इज़ अ फाउल, फिर आपको मिलती है फ्री शॉट, जिस तरह ये भी नहीं फ्री शॉट मिल रही है ना। और ये मिस हो गई है, यहाँ पर स्कोर नहीं कर सकी, मिस कर दी थी फ्री शॉट। ये मौका है अच्छा, लेकिन यहाँ पर भी अटेम्प्ट किया था और यहाँ फाइनली ये रेफरी ने शायद नहीं दिया, नहीं दिया क्योंकि उन्होंने डी को क्रॉस करके बाहर नहीं गए जी। आपको बताते चलें कि आप फर्स्ट प्रो 3-a-side मेन वुमेन्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट देख रहे हैं 5th जनरेशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स THA लाहौर से, जो कि आज से शुरू हैं। आज 11 मैचेस खेले जाएंगे। आज का ये दूसरा मैच वुमेन्स के दरमियान खेला जा रहा है ऐसे गार्डन ए और UMT मार्कोर्स पिंक के दरमियान। ऐसे गार्डन में खेल रही हैं मुकद्दस, फरीहा, फिरोज़ा और रिदा, जबकि UMT में महनूर, अरीज, आयशा और जोइस। और ये मैच आप देख रहे हैं फास्ट स्पोर्ट्स पर बिल्कुल लाइव। यहाँ पर भरपूर कोशिश कर रही है UMT कॉम्बिनेशन। गार्डन का डिफेंस काफ़ी अच्छा है, ये और वेरी गुड पास बाय महनूर एंड गुड शॉट मुकद्दस। मुकद्दस लुकिंग वेरी गुड, और बहुत से स्कोर किए हैं उन्होंने इस मैच में अभी तक। तकरीबन 4 मिनट का खेल बाकी है और मुश्किल लग रहा है कि UMT आगे कुछ कर सकती है। प्रेशर में होगी जरूर, प्रेशर में बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की जो फीमेल्स हैं बास्केटबॉल में क्या अचीवमेंट्स रही हैं इससे पहले हमारी प्लेयर्स, या अभी ज़्यादा रुझान हुआ है बास्केट में फीमेल? नहीं, बास्केटबॉल में 2000 मैंने जब से खेलना शुरू किया 2006-2007 से वुमेन बास्केटबॉल चैम्पियनशिप, नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप हर साल होती है, कभी ऐसा नहीं हुआ। जब मेन की हुई है वुमेन की भी हुई है। गुड शॉट फरीहा ने अटेम्प्ट किया, ये 2 शॉट हुए हैं। हर साल जब मेन बास्केटबॉल नेशनल्स होते हैं उसी तरीके से साथ ही वुमेन होते हैं, कभी किसी चीज़ में इन्होंने फेडरेशन ने ऐसा नहीं किया कि फीमेल के मैचेस ना हो और मेन के ज़्यादा हो। इसमें एज कैटेगरी होती है? नहीं, एज की कोई कैटेगरी नहीं है, डिपेंड करता है। अगर इंटर यूनिवर्सिटीज़ खेल रहे हैं तो एज ही कैटेगरी होती है, जब नेशनल्स खेल रहे हो तो इसमें कुछ नहीं देते लिमिट। जी हाँ, यहाँ पर 10 स्कोर करने में कामयाब हो चुकी है अभी तक SA गार्डन, और हमारे जो SA गार्डन मेल्स की टीम ने भी पहला मैच जीता था, बिल्कुल उससे कोई कम नज़र नहीं आ रही हमारी ये फीमेल्स की टीम SA गार्डन की बेहतरीन परफॉर्मेंस। 2 पॉइंट्स के लिए अटेम्प्ट, गुड शॉट फरीहा, खूबसूरत। ये भी बहुत सालों से खेलती आ रही हैं फरीहा, मुकद्दस,
इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में रिप्रेजेंट किया, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेज में, स्कूल में, एंड नाउ दे रिप्रेजेंटिंग एसए गार्डन्स। जी हाँ, रियल बास्केटबॉल एकेडमी जो है वो पाकिस्तान में अपनी नौत की सिर्फ पहली एकेडमी है जो बास्केटबॉल के लिए ये टूर्नामेंट और चैम्पियनशिप करवा रही है, और इसके फ़्रोग के लिए भरपूर कोशिश कर रही है पाकिस्तान में बास्केटबॉल के फ़्रोग के लिए, और यंगस्टर्स को आगे लाने की कोशिश कर रही है, उन पे काम कर रही है जिन पे कोई और स्कूल, कोई और कोचेस काम नहीं कर सके जी, ये उनको आगे लेके आ रही है, और स्पेशली उन लोगों को जो कि एजुकेटेड है। यहाँ पर हम ज़रूर बताएँगे अपने देखने वालों को कि रियल बास्केटबॉल एकेडमी जो है जिन्होंने ये टूर्नामेंट का इनेकाद किया है, फिफ्थ जनरेशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स TH लाहौर में आप ये मैचेस देख रहे हैं। आज का दूसरा मैच एसए गार्डन और UMT के दरमियान, यहाँ पे अच्छी अटैम्प्ट करने की कोशिश थी लेकिन नहीं कर सकी स्कोर, अभी तक कोई भी स्कोर नहीं कर पाई UMT की। तो इस स्कोर ना होने की वजह बहुत ज़्यादा अच्छा डिफेंस, आप अच्छा समझते हैं डिफेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, उन्हें जब तक वो अंदर आने नहीं दे रहे डी के, उनसे अटैम्प्ट नहीं की जा रही, और इसमें हाइट बहुत मैटर करती है। जी हाँ, वेरी गुड अटेम्प्ट बाय फरीहा। आप ऐसे गार्डन की कोऑर्डिनेशन देखें, वो आपस में तीनों की आई कॉन्टैक्ट से वो लोग पास करते हैं और फिर वो अटेम्प्ट करते हैं। वेरी गुड डॉज एंड गुड ट्राई। और इसमें बास्केटबॉल में सबसे बड़ी बात है आप सेल्फिश नहीं खेल सकते, अगर आपने सेल्फिश खेला तो आपकी टीम हार गई। इंडिविजुअल बिल्कुल ठीक, एज अ टीम खेलेंगे तो तभी जीतेंगे। गुड अटेम्प्ट एंड गुड शॉट। जबरदस्त मैच UMT और SA गार्डन A के दरमियान, थ्री साइड बास्केटबॉल टूर्नामेंट ये आप देख रहे हैं। आज का दूसरा मैच इख्तिताम पज़ीर,